यकीन कर भाई, तेरी सोच से ज्यादा कैमियोज होने वाले हैं डेडपूल 3 मूवी में। और यही सब कैमियोज आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा कौन कौन से कैरेक्टर्स की हाई पॉसिबिलिटी है कि इनके कैमियोज हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस वीडियो से तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि डेडपूल 3 मूवी में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, तो स्पॉयलर वार्निंग का खास ख्याल रखना भाई लोगों। सो चलिए पहले उन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन पे पक्की मोहर लग चुकी है कि ये कैरेक्टर्स डेफिनेटली डेडपूल 3 मूवी में नजर आएंगे। और वो कैरेक्टर्स हैं वुल्वरीन एंड डेडपूल। एंड ऑब्वियसली खैर ये कैरेक्टर्स तो होने ही थे, बट जो अदर कैरेक्टर्स हैं जिन पे पक्की मोहर लग चुकी है वो हैं वेड विल्सन की लव इंटरेस्ट वैनेसा, और ये डेडपूल 3 मूवी के लिए रिटर्न आ रही हैं। और क्लॉसस भाई तो आ रही हैं, और इनके साथ नेगासोनिक टीनेज एंड योक्यू भी रिटर्न आ रही हैं डेडपूल 3 मूवी में। और फिक्र मत करो भाई, दोपिंदर भी रिटर्न आ रहे हैं डेडपूल 3 मूवी में, और पीटर भी डेडपूल 3 मूवी में होगा। और ये बंदा होता भी क्यों नहीं, जहां डेडपूल ने खास इस बंदे को टाइम ट्रेवल करके बचाया था। एंड द क्राउन सीरीज की एक्टर एमा कॉरिन, और ये कंफर्म है कि ये डेडपूल 3 मूवी में नजर आएंगी। और साथ ये भी कंफर्म है कि एमा कॉरिन एक लीड विलन का रोल प्ले करेंगी डेडपूल 3 मूवी में। बट ये अनक्लियर है कि एमा कॉरिन कौन से विलन का रोल प्ले करेंगी, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि एमा कॉरिन कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले करेंगी, जो चार्ल्स एक्सेवियर की इविल टेलीपैथिक ट्विन सिस्टर है, जहां वो में ही चार्ल्स सेंस कर लेता है कैसेंड्रा की मर्डरस पर्सनैलिटी, जिसके बाद चार्ल्स वो में ही कैसेंड्रा से लड़ता है और कैसेंड्रा की बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट कैसेंड्रा सीवर से बैक्टीरिया का यूज करके अपनी एक न्यू बॉडी बनाती है रिवेंज लेने के लिए, और कैसेंड्रा नोवा ही रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूटेंट आइलैंड जेनोसा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो शी इज द प्योर विलन। और डॉगपूल कैरेक्टर भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये कैरेक्टर हमें डेडपूल 3 मूवी में नजर आएगा, और इस कैरेक्टर को खुद रायन रॉनल्ड ने कंफर्म किया है। एंड नाउ बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो लीक के थ्रू कंफर्म हुए हैं। एंड एज वी नो, रिसेंटली डेडपूल 3 मूवी के सेट से कुछ ज्यादा ही इमेज लीक हुई है। एंड इन लीक्स में देखते हैं कि सेबर टूथ वुल्वरीन से लड़ रहा होता है, और सेबर टूथ हमें एक्समैन 1 मूवी में नजर आया था। एंड सही कहूं तो ये क्लासिक विलन है जो इस लीक के थ्रू कंफर्म होता है। और एक्समैन 1 मूवी में जो सेबर टूथ के साथ जो कैरेक्टर था टॉड, वो कैरेक्टर भी इस लीक के थ्रू कंफर्म होता है। बट क्या जो एक्समैन का ओरिजिनल यूनिवर्स है, क्या ये दोनों कैरेक्टर उस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं? वेल, इसका क्लियर आंसर तो खैर किसी के पास नहीं है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों अदर एक्समैन के यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। और इन लीक इमेज में एमसीयू की मूवीज के ईस्टर एग्स भी देखने को मिले, जहां इन लीक इमेज में हमें ये मॉडिफाइड कपकेक वैन देखने को मिली, और ये वही एग्जैक्टली वैन है जो हमें मून नाइट सीरीज में देखने को मिली थी। और इन लीक्स इमेज में रेड स्कल की कार भी देखने को मिलती है, और ये वही कार है जो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में रेड स्कल चलाता है। और इन लीक इमेज में हमें फैंटास्टिक फोर की एक व्हीकल भी देखने को मिलती है, और साथ ही एक मिस मिनट भी हमें देखने को मिलता है इन लीक इमेज में। इन फैक्ट इन लीक इमेज से ये भी क्लियर होता है कि मूवी में मैड मैक्स का एक पैरोडी सीन भी देखने को मिलेगा, जहां इस लीक इमेज में देख सकते हैं कि अजीब तरीके के व्हीकल्स जो सिमिलर है मैड मैक्स के यूनिवर्स से। और ये जो जगह जहां पे ये सारे सीन्स टेक प्लेस करते हैं, ये असल में है वॉइड, जो जगह हमने लोकी की सीरीज में देखी थी, जब टीवी किसी चीज या किसी को प्रून करता उसके बाद वो वॉइड आता है। सो इन सभी को भी प्रून किया गया है। लेकिन भाई ये मिनट मैन वॉइड में क्या कर रहा है, एंड सच कहूं तो आई डोंट नो। एंड नाउ बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है भाई इनके कैमियोज हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिल सकते हैं। और उसी में सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है जेनिफर गार्नर, एके इलेक्ट्रा। और कुछ समय पहले दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये अपडेट कवर करी थी कि मल्टीपल सोर्सेज से पता चला है कि जेनिफर गार्नर इलेक्ट्रा का रोल फिर से प्ले करने वाली है डेडपूल 3 मूवी में। और रिसेंटली इंटरव्यू में जब जेनिफर गार्नर से इस अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए, तो उनकी रिएक्शन कुछ ऐसे थे। डिड यू एवर थिंक यू वर गोना वेयर द इलेक्ट्रा सूट अगेन? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट डू यू मीन? आई एम हाइपोथेटिकली थिंकिंग यू कुड बी इन अ डेडपूल सीक्वल, हाइपोथेटिकली, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। ओके, जहाँ खैर जेनिफर गार्नर ने इस अपडेट को क्लियरली हाँ कहा, नहीं ना कहा। लेकिन क्या एक्ट्रेस ऐसा रिएक्ट नहीं करते जब इन्हें कुछ छुपाना हो? ऑब्वियसली वो ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। सो मे बी जेनिफर गार्नर भी वही कर रही हो। सो पॉसिबिलिटी तो है कि डेडपूल 3 मूवी में जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा नजर आ सकती है। और अगर इलेक्ट्रा के कैरेक्टर का कैमियो अगर हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिलेगा, सो मे बी बेन एफ्लेक के डेयरडेविल का भी कैमियो हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये रूमर्स भी आए थे कि बेन एफ्लेक वाला डेयरडेविल हमें डेडपूल 3 मूवी में नजर आ सकता है। लेकिन भाई ये रूमर्स किसी स्ट्रॉन्ग सोर्स से नहीं आए थे, सो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भाई एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ने अपडेट दिए कि डेफनी केन AKX-23 रिटर्न आएंगे डेडपूल 3 मूवी में, जहां रिसेंटली शॉन लेवी ने ये भी कंफर्म किया है कि डेडपूल 3 मूवी की स्टोरी के लिए लोगन मूवी की स्टोरी जो होगी वो कैनन स्टोरी होगी। मींस इन दोनों मूवी में कनेक्शन होंगे। सो मे बी इन कनेक्शन से ही हमें डेफनी केन एज अ X-23 डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिल जाए। और सच कहूं तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि डेफनी केन फिर से X-23 का रोल प्ले करें डेडपूल 3 मूवी में, जहां इस बंदी ने लोगन मूवी में कमाल ही कर दिया था। सो होपफुली ये स्ट्रॉन्ग रूमर सच हो जाए।
जाएं। और एक और स्ट्रॉन्ग रूमर स्पेकुलेट हो रहे हैं कि वुल्वरीन का सन डेगन हमें डेडपूल 3 मूवी में नजर आ सकता है, जहां खैर ये रूमर्स काफी टाइम से ही स्पेकुलेट हो रही थी, बट नाउ इन रूमर्स को कवर किया डेनियल ने, और डेनियल एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है, सो पॉसिबिलिटी इन रूमर्स के सच हो जाने की। और जब से NFL के गेम में टेलर स्विफ्ट, रेनॉल्ड एंड शॉन लेवी इन तीनों को साथ देखा गया, उसके बाद से ये रूमर्स को ज्यादा ही स्पेकुलेट होने लग गए कि डेडपूल 3 मूवी में टेलर स्विफ्ट का कैमियो देखने को मिलेगा, जहां टेलर स्विफ्ट रोल प्ले करेंगे डेजलर का, जो कॉमिक में एक म्यूटेंट सिंगर होती है। लेकिन नाउ रेनॉल्ड ने इस रूमर्स पे अपना साइलेंस ब्रेक किया, जहां रेनॉल्ड ने कहा कि जो भी सीक्रेट्स एंड स्पॉइलर होने वाले हैं वो सब रिवील होंगे July 26, 2024 को। जहां खैर इन्होंने कुछ क्लियर तो नहीं करा, बट समझ जाओ भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और वैसे भी भाई कौन सा एक्टर ये चीजें डायरेक्टली कंफर्म कर देगा, हाइप भी तो क्रिएट करनी होती है। तो बस उम्मीद रखो कि टेलर स्विफ्ट का भी कैमियो हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिलेगा, और मैं सच कहूं तो मुझे इसके चांसेस ज्यादा लगते भी हैं। केल्सी ग्रैमर एज अ बीस्ट, जो अभी हाल ही में दी मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले, और सच कहूं तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन काफी अनएक्सपेक्टेड भी था, जहां बीस्ट सेकंड एक्समैन कैरेक्टर है जो एमसीयू की मूवीज में देखने को मिला, और फर्स्ट याद तो है ना चार्ल्स एक्सवियर, जो बेचारा वांडा के हाथ मारा गया था। एंड नाउ रूमर्स निकल कर आए हैं कि इस यूनिवर्स का बीस्ट, जो यूनिवर्स हमने दी मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, सो इस यूनिवर्स का बीस्ट कैरेक्टर हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिल सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्स से ही मैग्नीटो एंड चार्ल्स एक्सवियर भी हमें देखने को मिल सकते हैं डेडपूल 3 मूवी में, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन में बीस्ट चार्ल्स का जिक्र भी करता है। और सच कहूं तो इन रूमर्स को किसी स्ट्रॉन्ग सोर्स ने कवर नहीं करे हैं, तो इन पे यकीन करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और एक ऐसे ही नॉट 100% रिलायबल सोर्स से अपडेट निकल कर आई है कि चैनिंग टेटम गैम्बिट के रोल में कैमियो देते हुए नजर आएंगे डेडपूल 3 मूवी में। और जहां बहुत पहले ये भी अपडेट निकल कर आई थी कि गैम्बिट के कैरेक्टर के ऊपर एक स्टैंड अलोन मूवी बन रही है, जिसके लीडिंग में रहेंगे चैनिंग टेटम, बट फिर अपडेट निकल कर आई कि ये मूवी कैंसिल हो गई। एंड नाउ रूमर्स निकल कर आए हैं कि चैनिंग टेटम गैम्बिट के रोल में हमें डेडपूल 3 मूवी में नजर आएंगे। और साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओरिजिनल एक्समैन मूवी के कैरेक्टर स्टॉर्म, साइक्लॉप एंड जीन ग्रे, इन तीनों म्यूटेंट्स का भी डेडपूल 3 मूवी में कैमियो हो सकता है। इनफैक्ट हैली बेरी की इस इमेज को पोस्ट करने के बाद काफी फैंस बिलीव कर बैठे हैं कि हैली बेरी स्टॉर्म का रोल प्ले करने के लिए डेडपूल 3 मूवी में रिटर्न आएंगी। इस इमेज में हैली बेरी का जो लुक है, शॉर्ट व्हाइट हेयर, वो सिमिलर है स्टॉर्म के कैरेक्टर से, जो ऑब्वियसली फैंस को एक्सपेक्ट करना ही था कि हैली बेरी ने ये लुक डेडपूल 3 मूवी के लिए रखा है। बट भाई ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि हैली बेरी ने ये अपना न्यू लुक डेडपूल 3 मूवी के लिए रखा या अभी रख लिया। बट होपफुली हैली बेरी एज अ स्टॉर्म हमें डेडपूल 3 मूवी में नजर आ जाए। भाई डेडपूल 3 मूवी एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है, जहां वुल्वरीन एंड अपने डेडपूल लिटरली मल्टीवर्स में घूमने वाले हैं, जहां में भी ये सारे ही कैरेक्टर्स हमें मूवी में देखने को मिल जाए या इनमें से कुछ आधे ही। बट एक चीज मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि डेडपूल 3 मूवी में सरप्राइजिंग कैरेक्टर भरे पड़े होंगे। और आपको क्या लगता है कि कौन से कैरेक्टर्स की हाई पॉसिबिलिटी है कि इनके कैमियोज हमें डेडपूल 3 मूवी में देखने को मिलेंगे, अपने डिफरेंट ओपिनियन कमेंट के जरिए जरूर शेयर करना। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आइए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।